हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस में मॉड्यूल नंबर एलेवन इज़ अबाउट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस और इस कोर्स में हम उसको कवर करेंगे प्रीवियस मॉड्यूल में आप लोगों ने ये देखा कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी डिफरेंट जो हैं वो ब्रांचेस हैं जिसके अंदर दो मेन ब्रांचिज हैं एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है इन्फ्लेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो इस मॉड्यूल में जो कि मॉड्यूल नंबर इलेवन है इसमें हमारा फोकस होगा हम थोड़ा बहुत जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है उसको डिस्कस करेंगे और फिर ज़्यादा फोकस हमारा होगा जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है या स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुंस है स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है कि ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की लेकिन देर इज़ अ डिबेट गोइंग ऑन कुछ लोग ये कहते हैं कि इट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट क्योंकि जो नंबर की काउंटिंग है वो तो हर सब्जेक्ट में है आप फिज़िक्स ले लें केमिस्ट्री ले लें बायोलॉजी कोई भी जितनी भी साइंसिस हैं या सोशल साइंस हैं या आपकी जो प्योर साइंसिस हैं हर एक के अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं वो मैथमेटिकली uh, हैंडल होती हैं तो ये एक सेपरेट डिबेट है बहरहाल हम स्टैट्स को इसमें कवर करेंगे लेकिन ये मानना ज़रूरी है कि बहर हाल मैथेमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल साइंसिस तो जो स्टेटिस्टिक्स है ये बेसिकली आर मल्टीपल स्टेज के जो स्टैटिस्टिक्स का पूरा जो एक आपका अमल है जिसके अंदर आप डाटा को मैनेज करते हैं कलेक्ट करते हैं तो इसका एक पूरा प्रोसेस है हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाई वन इन दिस पार्ट ऑफ दी जो जो ये जो हमारा मॉड्यूल है कि हमने डाटा कलेक्ट कैसे करना है हमने फिर उस डेटे को ऑर्गेनाइज कैसे करना है फिर हमने उस डेटे को एनालाइज़ करना है इंटरप्रेट करना है फिर प्रेजेंट करना है तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं किस तरह से जो आपका स्टेट्स का जो पूरा प्रोसीजर है वो बेसिकली अगर हम उसको समराइज़ करें तो वो यही पाँच स्टेप्स हैं कि आप डाटा कलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं उसको एनालाइज़ करते हैं है, है, उसकी बेस पर इंटरपटेशन करते हैं और फिर आप उसकी बेस पर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम ये सारे जो एरियाज़ हैं इनको वन बाई वन देखेंगे बड़ा ही हाई लेवल पे क्योंकि ये जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कोर्स जो है ये हमारा इंट्रोडक्श इंट्रोडक्ट्री है और जो बाकी इनके जो डिटेल्स में है वो इन जैसे जैसे हम इसके दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं उनको कवर करेंगे तो यू विल बी एबल टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ डिफरेंट जो हमारे एरियाज़ हैं इसमें हम सिर्फ एक टॉप लेवल पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे टू डिवेल्प अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी कॉन्सेप्ट इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्शन में उससे बुरा पहला स्टेप कहना है भैया कि डेटा है क्या व्हाट डज़ इट मीन क्योंकि डेटा जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा डेटा है मैंने इसको कैसे कलेक्ट करना है मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है और जो इवेंचुअली जो आपका इसमें ऑब्जेक्टिव है वो आपने किस तरह से अचीव करना है तो जो डेटा अगर हम ये देखें कि आप अपने इर्द गिर्दी देखिए तो आपको जो है बेशुमार चीज़ें नजर आएंगी जो कि स्टेटिस्टिकल डेटा है स्टार्ट विद योर सेल्फ आप देखें कि आपका अपना हाइट है आपका वेट है आपका कलर है आपका ब्लड प्रेशर है आपका ब्लड ग्रुप है ये जो सारी चीज़ें बेसिकली ये सारे का सारा स्टेटिस्टिकल डाटा जो कि डिफरेंट तरह की जो आपकी स्टेटिस्टिकल स्टडीज़ है उसके अंदर यूज़ होता है इसके बाद आप देखें तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन है किसी शहर की पॉपुलेशन है जो आपके कंट्री में आपके शहर में गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं जो क्योंकि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है हमारी जो उनकी जो डिफरेंट क्लासेस हैं डिफरेंट डिग्रीज हैं डिफरेंट कोर्सेज हैं हर एक का जो डाटा है वो बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग समथिंग इट हैज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन इट अब डिपेंड ये करता है कि वो डाटा हमने किस मकसद के लिए कलेक्ट करना है उससे हमने रिजल्ट क्या अचीव करने हैं दैट इज़ हो इट इज़ तो ये जो डिफरेंट हम एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की हैं अबाउट स्टैटिस्टिकल डेटा इट विल हेल्प यू अर लॉट क्योंकि ये थ्रू आउट स्टैटिस्टिक्स एक चीज कॉमन है आप डिफरेंट मैथड यूज करें डिफरेंट टेक्निक यूज करें बट वी विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डेटा अच्छा तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज डेटा कलेक्शन डेटा हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं किस तरह से कलेक्ट करना चाहिए बेसिकली दो दो तरह से डेटा कलेक्ट होता है एक तो डाटा है जहाँ पे आपको क्वेश्चन क्रिएट करते हैं आप एक्सेस करते हैं अपने जो ऑडियंस है और फिर उसके बाद आप उनको डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह सबमिट करते हैं ऑनलाइन भेजते हैं फिजिकली विजिट करते हैं एंड देन यू डू इट प्रॉपरली दूसरा तरीका ये कि जहाँ पे कोई एफर्ट नहीं की जाती बल्कि डाटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है थ्रू डिफरेंट सिस्टम फ़र्ज करें हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो उसके लिए कोई डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है लेकिन जब अगर हम मरदमशुमारी या सेंसर की बात करें तो उसके लिए एक पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है डाटा कलेक्ट करने के लिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डेटा को हमने ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है अगेन जब आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो डेटा मैंने कलेक्ट किया अब मैं उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करूं ताकि जो फिर मेरा उससे ऑब्जेक्टिव है जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं उनको अच्छे तरीके से अचीव कर सकूँ जैसे उसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं पेशेंट्स का डाटा हम हमारे पास है हमारे पास वोटर्स का डाटा है हमारे पास व्हीकल्स का डाटा है हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है, है तो जब हम इसको स्टूडेंट्स के डाटा की अगर बात करें हम कहते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डाटा नो इट इज ऑर्गेनाइज्ड विद इन यूनिवर्सिटी किसी क्लास का किसी सब्जेक्ट एरिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास फिर वो इसी तरह हमारा डाटा इज बीइंग मोर ऑर्गेनाइज विद ईच एंड एवरी स्टेप इसी तरह फिर टैक्स पेयर का डाटा है मोटर्स का डाटा दे, एन नंबर ऑफ यू नो एग्जाम्पल्स ऑफ कि डेटा अराउंडस कि डाटा किस तरह से हमने कलेक्ट किया किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया अब जो डेटा को एनाइज uh, करने के लिए वी हैव टू फर्दर क्लासीफाइड जैसे अभी मैंने बात की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल या नंबर ऑफ पेशेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ये डाटा अनालिस के से रिलेटेड है उसमें यही आता है कि हमने फर्ज़ करें मैंने ये देखना है कि किसी एक एज ग्रुप के लोग किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक क्लास में कितने हैं तो वो एक हमारा एक एनालिसिस है वन टाइप ऑफ एनालिसिस फिर उनका जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट का रिलेशनशिप विद देयर एज ग्रुप विद देयर डेमोग्राफिक्स ये सारी चीज़ें जो है ये एनालिसिस के उसमें ज़ुमरे में आती हैं उसके बाद फिर डेटा को हमने इंटरप्रेट करते हैं कि डेटा की जो इंटरप्रेपटेशन है वो किस तरह से है और उसको हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना है वो यही चीज़ें आ जाती हैं बट वी हैव टू गो यू नो लाइक गोइंग डीपर एंड डीपर इन टू ईच स्टेप और वो यही बेसिकली इंटरपटेशन है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये अगर फिफ्टी परसेंट अर्बन है फ़िफ्टी परसेंट रूरल है तो ये एक मेरा उसकी इंटरपटेशन है डेटा की इतने मेल हैं इतने फीमेल हैं ये उसकी एक इंटरपटेशन है डेटा की उसके बाद फिर जो की जो 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 फाइनल इसकी जो आउटपुट है हमारे स्टेटिस्टिकल पूरा जो एक मेथड है स्टैटिस्टिकल मेथड वो है डेटा को हमने फाइनली जो उसके रिजल्ट है उनको हमने प्रजेंट कैसे करना तो उसके डिफरेंट तरीके हैं रिपोर्ट्स होती हैं फिर हमारे पास चार्ट्स होते हैं चार्ट की डिफरेंट जो किस्में हैं जो कि हम एक और हमारा मॉड्यूल होगा डेटा uh, विजुलाइजेशन का उसके अंदर हम इन चीज़ों को डिटेल से देखेंगे और ये सारा जो है हमारा बेसिकली इन चीज़ों को कवर करता है कि और फिर डैशबोर्ड्स हैं आजकल तो आप देखें हर बंदे के पास ये जो आपके पास लैपटॉप्स हैं कंप्यूटर्स हैं उसमें डैशबोर्ड्स आर अवेलेबल जिसमें एक ही डैशबोर्ड में रिपोर्ट भी है साथ उसका टेबल बना हुआ है साथ उसका चार्ट बना हुआ है दे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट अवेलेबल तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग डिसीजन मेकर हैं जिनके पास टाइम नहीं है डेटा को एनालाइज करने का वो सिर्फ़ ये रिपोर्ट्स देख के इनकी बेस पे अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो करते हैं अब जो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल अब हमने थोड़ा सा ये देखना है थोड़ा सा दिस इज जस्ट बेसिकली हम रिकैच कर रहे हैं चीज़ों को कि जो स्टैटिस्टिक्स है इट इज़ अबाउट अगेन टू कैटेगरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विच इज़ बेसिकली ऑन द पास्ट डेटा विच इज़ एक्ूरेट एंड फैक्ट्स और दूसरा है हमारा इंफ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो कि हम प्रडिक्शन करते हैं फोरकास्टिंग कर, करते हैं बेस्ड ऑन पास्ट डेटा और बेस्ड ऑन सर्टन स्टेटिस्टिकल जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं उसकी बेस पे हम फिर डिफरेंट जो है वो अपनी प्रडिक्शन करते हैं फोरकास्टिंग करते हैं जो डिफरेंट जो बिजनेस डिसीजन है वो हम करते हैं विद दिस वी कंक्लूड ओवर मॉड्यूल इलेवन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल